हेलो एवरीवन, नमस्कार। राधे राधे। कृष्णा ट्रेडिंग में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक निफ्टी की मंथली स्ट्रेटजी लेके आया हूं, जो कि बहुत ही प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है। इसके बारे में बात करेंगे, स्ट्रेटजी को कैसे करना है, कब डिप्लॉयमेंट करना है, स्ट्रेटजी क्या होने वाली है, उसके बारे में बात करने हैं। आगे बढ़ने से पहले, जो लोग चैनल पर हमारे नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और जो लोग हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उससे भी जुड़ना चाहते हैं तो ज्वाइन हो सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, मैं कोई सेमी रजिस्टर्ड नहीं हूं। सारे स्ट्रेटजी केवल लर्निंग पर्पज से हैं। आप भी लर्निंग पर्पज से लें, खुद से बैक टेस्ट करें, उसके बाद करें। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें लेग्स क्या क्या होने वाली है उसको बता देते हैं पहले आपको। सबसे पहले तो इसमें आपको निफ्टी में करना है, और मंथली में करना है। चलिए, निफ्टी मंथली में करना है, और इसमें जो हमारी फर्स्ट लेग होने वाली है, उसमें आपको सेल करना है। वन लॉट पुट ऑप्शन सेल करना है आपको, 300 पॉइंट आउट ऑफ द मनी, जो कि मंथली एक्सपायरी में सेल करना है। और उसके बाद जो नेक्स्ट है, उसको भी वन लॉट कॉल को सेल करना है, वो भी मंथली में 300 पॉइंट आउट ऑफ द मनी। और जो हमारा तीसरी लेग इसमें है, आपको बाय करना है वन लॉट पुट ऑप्शन 500 पॉइंट आउट ऑफ द मनी, लेकिन इसको क्या करना है, नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी का आपको प्रीमियम सेलेक्ट करना है। और सेम इसमें वही आपको एक कॉल साइड, सॉरी यहाँ पे दोनों पुट साइड हो गया है, लेकिन यहाँ पे आपको ये आपका 500 पॉइंट आउट ऑफ द मनी आपको पुट एक बाय करना है नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी का, और 500 पॉइंट नेक्स्ट मंथ का कॉल आपको बाय करना है नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी का। और उसके बाद आपको सीधे एडजस्टमेंट करने के लिए, इसमें क्या एडजस्टमेंट है, कैसे है, इसमें जीरो एडजस्टमेंट है, बिल्कुल जीरो लॉस एडजस्टमेंट है। बहुत ही इजीली हम लोग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो कैसे एडजस्ट करेंगे, अभी आपको स्टॉक मूव पे लेके चलते हैं, और स्टडी कैसे डिप्लॉयमेंट करते हैं, और पे अप चार्ट क्या रहने वाला है वो दिखाएंगे। और चलते हैं स्टॉक मोक पे। चलिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को जो हमारा करेंट मंथ है उसी में मैं बनाऊंगा। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं मई मंथ। तो जो अप्रैल की एक्सपायरी थी 25 को ही खत्म हो गई थी। तो हम लोग एक बात याद रखिएगा, कोई अगर एक्सपायरी 25 को, 24 को, 26 को खत्म होती, तो उसके नेक्स्ट डे एक दिन बाद का ही जो नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी वाला शुरू होता है उसमें आपको बना लेना है, नहीं तो बहुत लंबा हो जाता है। यहाँ देखिए, मैं 26 को बनाऊंगा और मई मंथ की एक्सपायरी का पूरा इसमें रहेगा। तो यहाँ पर हम लोगों क्या करना, 10 बजे का हम लोग टाइम ले लिए, और हमारा स्पॉट प्राइस जो है 22584, तो हमारा एट द मनी हो गया 22600 ATM। तो हमको सिंपल सी बात, यहाँ पे जो हमारा एटीएम प्राइस है उससे 300 पॉइंट दूर का हमको एक सेलिंग करना है। एक लॉट हमने सेल कर दिया, और सेम पुट साइड कॉल साइड में भी आना है, 300 पॉइंट दूर का एक सेल करना है। और एक्सपायरी यहाँ पे चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे इसको क्या करना है, 30 मई का एक्सपायरी करना है। चलिए, उसके बाद हम लोगों को
500 पॉइंट आउट ऑफ द मनी को बाय करना है एक लॉट, लेकिन उसको क्या करना है नेक्स्ट मंथ यानी कि 27 जून का जो एक्सपायरी है जून वाला, उसमें हम लोगों को 500 पॉइंट ओटीएम जाना है और एक एक लॉट बाय करना है। मैंने पुट साइड में बाय कर लिया और सेम कॉल साइड में भी एक लॉट बाय कर लिया। और हम लोगों की जो इसमें अब इसमें आपका जो ब्रेक इवन एरिया है कॉल साइड में 2.2% और पुट साइड में 1.7%, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 41% का, मैक्स लॉस आपका 6.7%, और इसमें जो आपका मार्जिन लगने वाला है बहुत कम है। और मैं इसको सीधे फॉरवर्ड करता हूँ एक एक दिन करके, और सीधे वन डे फॉरवर्ड कर रहा हूँ। जब भी ब्रेक इवन होगा उसके बाद ही हम लोग एडजस्टमेंट कर, सबसे पहले तो इसमें एडजस्टमेंट के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। एडजस्टमेंट आपको 15 तारीख से पहले नहीं करना है, अगर आपको लॉस दिख रहा है ब्रेक इवन हो गया है तब आपको एडजस्टमेंट करना है, नहीं तो आपको इसमें किसी प्रकार का कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है। हम अपने ट्रेड को 15 तारीख तक ही, 15 के बाद ही एडजस्टमेंट करेंगे जब हमको दिखेगा। इसमें सिंपल सा 15 के बाद ही आपको एडजस्टमेंट करना है। तो मैं सीधे वन डे और फॉरवर्ड करता हूँ, और यहाँ पे 1.1 का 3.2% जो हमारी कैपिटल है उसके अकॉर्डिंग 3.2% का हमारा प्रॉफिट हो रहा है। मैं इसको और थोड़ा फॉरवर्ड करता हूँ और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 6.4% कैपिटल के अकॉर्डिंग। आपको लगता है कि आपका प्रॉफिट सफिशियंट है तो आप लोग इसको बुक कर सकते हैं। अभी 3 मई हुआ है और जो प्रॉफिट है 8.5% के अराउंड यहाँ पे चल रहा है। थोड़ा मैं इसको और फॉरवर्ड करता हूँ और यहाँ पे देखिए 10% के लगभग, मैं केवल सिंगल लॉट से इसको फॉरवर्ड कर रहा हूँ, अभी 10% के ऊपर तक का चल रहा है। तो मैं इसमें अभी कोई एडजस्टमेंट नहीं करने वाला हूँ। इसमें हमको 10 तारीख को ही, अरे सॉरी 15 मंथ की, आधा मंथ जब ख़त्म हो जाएगा तब हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे। तो यहाँ पर अभी हमारा 14 हो गया और यहाँ पे 15 मई हो गया, तो यहाँ पे हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे। और एडजस्टमेंट में क्या करना है, सिंपल सा है एडजस्टमेंट। सबसे पहले तो जो हम लोग नेक्स्ट मंथ की दोनों बाय किए थे 500 ओटीएम को, दोनों को क्लोज कर देना है। और दोनों को क्लोज करने के बाद फिर हमारा जो मंथली में जो हम लोग सेल किए थे 30 मई की एक्सपायरी वाला जो मंथली हम लोगों का सेल था, उससे 50 पॉइंट इनसाइड में आना है और एक एक बाय कर लेना है। इधर हमने बाय कर लिया और सेम कॉल साइड में 50 पॉइंट, जो बाइंग से जो हमारी सेलिंग है उससे 50 पॉइंट इनसाइड में आना है और एक एक लॉट को हमको बाय कर लेना है। और इस कंडीशन में सबसे पहली बात तो आप लोग अपना प्रॉफिट इजिली ले सकते हैं, नहीं तो आपको एडजस्टमेंट की नौबत आती है। तो यहाँ पे हम लोग का पूरा ट्रेड 0 लॉस हो चुका है, और इसको आप फॉरवर्ड भी करेंगे तो कुछ भी हो जाए हमारा ट्रेड लॉस में नहीं जाएगा बिल्कुल भी। मैं इसको फॉरवर्ड कर देता हूँ पूरा एक्सपायरी तक, इसमें मार्जिन भी अलग से कुछ नहीं लगने वाला है। और यहाँ पे सेम वही कैपिटल के अकॉर्डिंग परसेंटेज तो बहुत ज़्यादा दिखाने लगा अभी, और यहाँ पे एक्सपायरी हो गया। ऐसे ही अब मैं नेक्स्ट मंथ का अप्रैल का बनाया था और यहाँ पे मई मंथ का आपने देखा, अभी मैं सेम इसको अप्रैल का भी बना के आप लोगों को दिखाता हूँ। अप्रैल में फर्स्ट डेट और 10 बजे का टाइमिंग, और जो अप्रैल की एक्सपायरी है 25 अप्रैल की जो एक्सपायरी है, चलिए यहाँ पे आ गया हमारा, हाँ 25 की एक्सपायरी है, हमको 300 पॉइंट आउट ऑफ मनी जाना है और सेल करना है, यानी कि 22519 का हमारा स्पॉट है और
एटीएम हमारा 22,500 का है, तो हमारा जो सेल करना है 22,200 का पुट ऑप्शन हमने सेल कर दिया, और सेम आना 300 पॉइंट इधर भी आना है, और यहाँ पर भी हमको सेल कर देना है 22,800 का हमने सेल कर दिया। फिर हमको क्या करना है नेक्स्ट मंथ यानी कि 27 जून का, सॉरी 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 27 जून नहीं, यहाँ पे 30 मई वाली एक्सपायरी सेलेक्ट करें, यानी कि नेक्स्ट मंथ। हम अप्रैल वाली एक्सपायरी में काम कर रहे थे तो मई वाली एक्सपायरी में काम करेंगे, तो यहाँ पर हम लोगों को मई में 500 पॉइंट आउट ऑफ द मनी जाना है, उसको बाय कर लेना है, और सेम कॉल साइड में भी 500 पॉइंट आउट द मनी जाके यहाँ पे कर लेना हम लोगों को बाइंग, और हो गया। इसके बाद हम लोग सीधे क्या करते हैं, चलते हैं इसको फॉरवर्ड करते हैं सीधे वन डे, और यहाँ पर फर्स्ट डे मैंने बढ़ाया और हमारा जो पीएनएल है लगभग 0.6% के लगभग प्रॉफिट में है, और यहाँ पे अभी 1.2% के अराउंड अभी भी 1% के लगभग का प्रॉफिट चल रहा है, 1.6%। सीधे हम लोग उससे पहले कुछ एडजस्टमेंट नहीं करने वाले हैं 15 तारीख तक, और यहाँ पर हम लोगों का जो ट्रेड है लगभग 2.3% के अराउंड प्रॉफिट हो चुका है, तो एज इमोशन आप लोग बुक कर सकते हैं। अभी भी 3.5% हो गया, तो मुझे तो लगता है कि लगभग सफिशियंट है, और 15 तारीख हो गई, अभी थोड़ा सा ब्रेक इवन के नज़दीक, थोड़ा सा और जाने देते हैं इसको, अभी भी दूरी है। 15 तारीख के बाद हम लोगों को लगता है कि नहीं सफिशियंट है, तो इस ट्रेड को हम लोग जीरो लॉस बनाएंगे, हमको आगे का कोई रिस्क नहीं लेना है। तो यहाँ पे हम लोग को सिंपल सा एडजस्टमेंट मैंने आपको बताया, नेक्स्ट मंथ की जो बाइंग है दोनों लेग उसको हम लोग क्लोज करेंगे, और जो करेंट मंथ में हम लोग जिसमें काम कर रहे हैं यानी कि अप्रैल में हम लोग काम करें, तो 25 अप्रैल की जो दोनों 300 वाली सेलिंग है उससे 50 पॉइंट इन साइड में आना है, और एक एक लॉट को बाइंग कर लेना है, जिससे कि हमारा जो ट्रेड है पूरी तरह से लॉस फ्री हो गया। अभी जो हमारी कैपिटल देखिए जो इसमें लग रही थी पहले वो 1,10,000 लगभग लग रही थी, और एडजस्टमेंट के बाद सीधे आ गई लगभग 50,000 से ऊपर तक की। सिंगल लॉट का एडजस्टमेंट केवल मैंने दिखाया है, और यहाँ पे हमारा मार्केट कहीं भी चला जाए हमारा ट्रेड बिल्कुल जीरो लॉस है। तो मैं इसको फिर भी एक्सपायरी तक इसको फॉरवर्ड कर देता हूँ, अभी भी ट्रेड 8 पॉइंट कुछ लगभग घूम ही रहा है। ये हमारा ट्रेड कहीं भी चला जाए हमारा प्रॉफिट बिल्कुल लॉक हो चुका है। बस, और हमारी एक्सपायरी हो गई 25 अप्रैल की, और यहाँ पर हम लोगों का जो प्रॉफिट है लगभग 8% के अराउंड है। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, मैं एक मंथ किसी और मंथ का जनवरी, चलिए जनवरी का ही बना देते हैं, एक मंथ जनवरी में भी दिखा देते हैं आपको। जनवरी को 1 जनवरी ले लिया हमने, 10 बजे का टाइमिंग हो गया, और हमारी एक्सपायरी जो है 25 जनवरी की एक्सपायरी है, 300 पॉइंट ऑफ द मनी का हमको सेल करना है, और पुट साइड में भी सेम, सॉरी कॉल साइड में भी सेम हमको 300 पॉइंट आउट द मनी सेल करना है, और जो नेक्स्ट मंथ है यानी कि फरवरी 29 मई का उसको सेलेक्ट करना है, और 500 पॉइंट दूर का हमको क्या करना है, यहाँ पे देखिए 500 पॉइंट दूर का नहीं मिला, तो मैं 550 पॉइंट दूर का बाय कर लेता हूँ, और कॉल साइड में भी सेम 550 पॉइंट दूर का, 50 पॉइंट ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, और हमारा ये हो गया ब्रेक इवन। देखिए ब्रेक इवन भी जो हमारा है लगभग कॉल साइड में 3.3% और पुट साइड में 2.4% का ब्रेक इवन है, और मैं इसको सीधे वन डे फॉरवर्ड करता हूँ, और हमारा प्रॉफिट अभी लगभग 0.3% के अराउंड अभी ट्रेड हम लोगों को लॉस में दिख रहा है। अभी हमारा 1.5% के अराउंड हम लोगों का प्रॉफिट हो चुका है, अभी भी ट्रेड फिर से लॉस में 100 रुपये लगभग, अभी भी 300 के अराउंड लॉस में है, और अभी भी ट्रेड हमारा फिर से ग्रीन में आ चुका है, और 0.8% का हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है।
और जो मेरा ट्रेड है 15 तारीख आ गई और मंथ का आधा बीत गया, तो यहाँ पे हम लोगों का प्रॉफिट जो है 2.2% का है, तो यहाँ पे हमको करनी है अपनी एडजस्टमेंट और हमको अपने ट्रेड को करना है जीरो लॉस। दोनों नेक्स्ट मंथ की जो बाइंग है सिंपल सा मैं बता दिया, उसको करना है क्लोज, और जो करेंट मंथ की आपकी सेलिंग है यानी कि 300 पॉइंट, उससे 50 पॉइंट इन साइड में आपको दोनों साइड में एक एक लॉट का कॉल और पुट को बाइंग कर देना है। और सेम हमारी देखिए यहाँ पे जनवरी मंथ में भी हमारी जो ट्रेड है हम लोगों का बिल्कुल लॉस फ्री बन चुका है, जीरो लॉस हो चुका है। अगर किसी को कोई कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है ट्रेडिंग से रिलेटेड, इसमें अगर किसी को कोई समझ में नहीं आया तो पूछ सकता है। चलिए मैं जल्दी से एक फरवरी का भी आपको दिखा देता हूँ। तो फरवरी में भी फर्स्ट मंथ को हम लोग ले लेते हैं 1 तारीख को, और यहाँ पे 29 फरवरी की एक्सपायरी सेलेक्ट कर लेते हैं, और 300 पॉइंट का दूर का सेलिंग, और उसके बाद कॉल साइड में भी 300 पॉइंट दूर का हमको सेल करना है। और चलते हैं इसको क्या करना है, अब नेक्स्ट मंथ का सेलेक्ट करना है, यानी कि हमने फरवरी का किया है तो हमको 28 मार्च का मंथली एक्सपायरी है, उसमें 500 पॉइंट OTM को एक एक लॉट दोनों साइड में बाय कर लेना है। सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल है, हमने बाय कर लिया। और ब्रेक इवन एरिया 3.5% का कॉल साइड में, पुट साइड में 2.8%, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 50% से ऊपर का, मैक्स प्रॉफिट लगभग 14% के, और हमारा लॉस जो है अनडिफाइंड है उसको हम लोग पहले ही एडजस्ट कर लेंगे, और मार्जिन जो लगने वाला हमारा है वो 90,000 के राउंड लगने वाला है। चलिए मैं इसको दो लॉट में, इसको मैं दो लॉट में ट्रेड को कर देता हूँ, ठीक है, और मैं इसको करता हूँ 1 डे फॉरवर्ड, और मैंने एक दिन फॉरवर्ड कर दिया। जो हम लोगों का प्रॉफिट है वो लगभग 3.2% के अराउंड चल रहा है, फिर भी मैं इसको और एक दिन फॉरवर्ड करता हूँ, और जो हम लोगों का प्रॉफिट है 4.4% के अकॉर्डिंग है, और थोड़ा मैं इसको और एक दिन फॉरवर्ड करता हूँ, उसके बाद जो प्रॉफिट है 3.6% के अराउंडिंग। हमको जो एडजस्टमेंट करना है, जब तक हमारी 15 डेट नहीं आती उससे पहले हमको किसी प्रकार का कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है। और अभी जो हम लोगों का प्रॉफिट है लगभग 4.5% के अराउंड हम लोगों का प्रॉफिट चल रहा है, और यहाँ पे 12 फरवरी आ गया है, और हमारा जो प्रॉफिट है लगभग बहुत ही सफिशियंट प्रॉफिट है, 5.5% का प्रॉफिट बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है। आप लोग चाहें तो बुक करके बहुत ही इजली निकल सकते हैं, लेकिन हमारा जो ट्रेड है बिल्कुल बीच में है, तो इसको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं इसको एक दिन और फॉरवर्ड करता हूँ, और प्रॉफिट हमारा अभी भी ग्रीन में ही है। यहाँ पे 14 फरवरी हो गया, और यहाँ पे 15 फरवरी हो गया, और हमारा में 5.9% का प्रॉफिट। लेकिन जो मेरी स्ट्रेटजी है 15 फरवरी तक आप सेफली ग्रीन में है, तो बिल्कुल आपको एडजस्टमेंट कर देना है और अपने ट्रेड को बिल्कुल लॉस फ्री कर देना है। तो सेम आपको जो नेक्स्ट मंथ की मंथली एक्सपायरी है जो 500 पॉइंट OTM वाला था उसको कर देना है क्लोज, और जो करेंट मंथ में हम लोग जो 29 फरवरी वाली जो सेलिंग किए थे 300 पॉइंट दूर का, उससे 50 पॉइंट इनसाइड आके एक लॉट हमको बाइंग करना है, सॉरी दो लॉट में एक काम हो रहा है, दो लॉट में हमने बैक टेस्ट किया था, दो लॉट हमको करना है बाइंग। तो यहाँ पे हम लोगों का जो ट्रेड है पूरी तरह से बिल्कुल लॉस फ्री हो चुका है। आप पूरे मंथ में आप इसमें जो वर्किंग पीपल है उनके लिए बहुत ही बेस्ट है, इसमें उनको किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है। इसको एडजस्टमेंट करने के बाद बिल्कुल पूरे मंथ 15 दिन का जो बचा हुआ है मंथ उसमें इजिली इसको उनको किसी तरह के मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, और उनका ट्रेड बिल्कुल सेफ जोन में है, बिल्कुल ग्रीन जोन में है। मार्केट कहीं भी जाए उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। मैं देखिए अभी 1 डे फॉरवर्ड कर रहा हूँ, सीधे इसको मैं 29 फरवरी तक फॉरवर्ड कर देता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए कि इसमें कोई किसी तरह का कुछ नहीं होने वाला है। और ये 26 फरवरी हो गया, और हमारी एक्सपायरी 29 की है, तो 27, 28 और हमारा एक्सपायरी हो गया, और हम लोगों का जो प्रॉफिट है
लगभग 10% के अराउंड हम लोगों का प्रॉफिट यहाँ पे 9.6% चल रहा है। यही एडजस्टमेंट है, इस तरीके से आप लोग ट्रेड करिए, वर्किंग पीपल के लिए बहुत बढ़िया है। और अगर किसी प्रकार का किसी का कोई क्यूरी है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ स्ट्रेटजी पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए स्ट्रेटजी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।